सटई में बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से ईद का त्यौहार मनाया गया। इस मौके पर सैकड़ों मुस्लिम भाई मौजूद रहे, जिन्होंने एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी। बताया गया है, ईद उल फित्र का पर्व सटई में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह 8 बजे से सैकड़ों मुस्लिम भाइयों ने बस स्टैंड स्थित ईदगाह पर एकत्रित हुए और वहां पर नमाज पढ़ी। इमाम हाफिज अहमद हुसैन रजा द्वारा नमाज पढ़ाई गई। सर्वप्रथम हाफिज द्वारा मुस्लिम भाइयों को नमाज का तरीका बताया गया, फिर इमाम द्वारा खुतबा पढ़ाया गया, फिर नमाज अदा की गई। साथ ही मुल्क में अमन चैन की दुआएं भी मांगी गई। ईद को लेकर प्रशासनिक व्यवस्था भी काफ़ी चुस्त दुरुस्त रही। नमाज अदा करने के बाद मुस्लिम भाइयों द्वारा एक दूसरे को गले मिलकर ईद की मुबारकबाद दी गई। सहरसा अहमद सौदागर ने बताया कि रमजानुल मुबारक महीने में मुस्लिम भाइयों ने एक महीने तक इबादत की। इस महीने में सभी मुस्लिम भाइयों द्वारा एक माह के रोजे भी रखे गए। चांद दिखने पर ईद मनाई गई। एक महीने की इबादत के बाद ईद पर सुबह से ही ईदगाह में रौनक दिखाई दी। बच्चों में खासा उत्साह देखने के लिए मिला। ईदगाह परिसर के बाहर मेला भी लगाया गया, जिसमें बच्चों ने मस्ती भी की। ईद का जो त्यौहार है, पावन त्यौहार है मुस्लिम समाज का, और इसमें भाईचारे का पैगाम संदेश सबको दिया जाता है। हमारी ईदगाह में आज नमाज हुई है और सटई और पूरे देश के लिए अमन सुकून की दुआएं मांगी गई हैं, जिससे हमारे मुल्क में, हमारे सटई नगर में सुकून रहे, भाईचारा रहे और हमारा प्यार हमेशा से बना रहे। हम हिंदू मुस्लिम एकता पर विश्वास करते हैं और हम चाहते हैं कि हम इसे साथ में रहें और प्यार के साथ भाई भाई के साथ बनके रहें। बाकी सारे लोगों को मेरी तरफ से ईद की बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। सारे लोग खुश रहें, यही मेरी दुआ अल्लाह से। मेरी तरफ से अहले वतन को ईद की दिली मुबारकबाद, बधाइयां, शुभकामनाएं। और मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि हमारे देश में अमन और सुकून कायम रहे। इस ईद की खुशी में सभी लोगों ने आपस में गले मिले हैं और भाईचारा का पैगाम दिया है। हमारी सारी नगर सटई वालों को ईद की दिली मुबारकबाद। और जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, हमारा बरसों से चला आ रहा है और एक दूसरे से गले मिलकर हम लोग ईद की बधाई देते हैं। और तमाम अहले वतन को हमारी तरफ से ईद की बधाइयाँ, खुशियाँ,